हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन, जो कि कक्षा 10 का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पार्ट है। कार्बनिक रसायन में अब तक हम लोगों ने IUPAC नाम पद्धति और निरर्थक नाम पद्धति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब आगे से हम देखेंगे एल्केन श्रेणी के जो सभी सदस्य हैं, उन एल्केन श्रेणी के जो सभी सदस्यों का जो है जो IUPAC नामकरण कैसे होता है, तो उसके बारे में हम आगे से देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वह होता है मेथेन, जो द्वितीय सदस्य है वह है एथेन, तृतीय सदस्य है प्रोपेन। तो इस तरह से एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य हैं। हमने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने से पहले उसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, हमें ये पता होना चाहिए। एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या होता है, दो कार्बन है तो दो कार्बन से क्या होता है। तो हमने आप लोगों को बताया था रूट वर्ड जो होता है, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द यानी रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो एक कार्बन से होता है मेथ, दो कार्बन है तो दो कार्बन से होता है एथ, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन से होता है प्रोप, चार कार्बन है तो चार कार्बन से होता है ब्यूट, पांच कार्बन है तो पांच कार्बन से होता है पेंट, छह कार्बन है तो छह कार्बन से होता है हेक्स। इसी प्रकार से यदि सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नोन, दस कार्बन है तो डेक। और कक्षा 10 में आपको लगभग डेक तक ही याद रखना है, उसके बाद आगे से आप याद करेंगे जब अगली कक्षाओं में आप जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है मेथेन, मेथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो आइए हम इसका IUPAC नाम याद करते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम में दे दिया, यही उठा के दे दिया कि CH4, इसका IUPAC नाम याद कीजिए, तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स इसमें आपको। अब ये है आपका CH4, मेथेन है तो मेथेन है। तो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने से पहले उसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको हम गिन लेते हैं। तो आइए हम गिनते हैं। तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन है यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो एक कार्बन से होता है मेथ, क्या होता है मेथ होता है प्लस। अब इसका जो प्राइमरी अनुलग्न है यानी जो प्राइमरी इसका सफिक्स है वो है एन, इसका प्राइमरी अनुलग्न एन होता है। तो मेथ में अगर हम एन जोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, और इसका जो प्राइमरी अनुलग्न होता है वह एन होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो मेथ धन एन बराबर क्या हो गया मेथेन हो गया, क्या हो गया मेथेन, और यही इसका क्या हो गया मेथेन का मेथेन ही IUPAC नाम हो गया। अब इसका हम जो दूसरा सदस्य है एल्केन श्रेणी का उसका IUPAC नाम ज्ञात करते हैं। तो इसका जो दूसरा सदस्य, अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मान लीजिए मेथेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये मेथेन है CH4 है, तो चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन, अब कार्बन का जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चार होती है, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो छह होता है। तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंतिम कक्षा में क्या है चार इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है चार, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है चार, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, इसको आप देख लीजिए, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, एक और इसके पास भी एक, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास है अंतिम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और चार। तो अब भाई कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और हाइड्रोजन को भी जो है संतुष्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से क्या करेंगे साझेदारी करेंगे। अब दो परमाणुओं के बीच जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ये दो परमाणु हो गए, तो इसके इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, अब इसके इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, अब इसके इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, अब इसके और इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई
तो आसानी से इसे हम लिख लेंगे। जब हमने बताया जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनता है। हाँ तो हम कह रहे थे यहाँ पे जो है अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसके और इसके बीच है और इसके और इसके बीच है। तो जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां हमेशा सिंगल बॉन्ड लगता है, तो हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन से हो गया मेथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन श्रेणी का सदस्य हो गया, उसमें मेथ में एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मेथ धन एन, मेथ धन एन बराबर मेथेन। तो ऐसे भी हम अगर दिया रहेगा तो बड़ी आसानी से इसका आईयूपीएसी नाम याद कर लेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गया मेथेन, अब जो दूसरा है वह है सी टू एच सिक्स, ये है आपका एथेन एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य। तो इसको कभी कभी आप देखेंगे परीक्षाओं में इस तरह से भी पूछ देगा CH3। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका हम IUPAC नाम याद करते हैं तो कुछ नहीं करना है इसमें। अब देख लो इसमें दो कार्बन है, चाहे इसको देखो दो कार्बन है, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो कार्बन है तो दो कार्बन से होता है एथ, तो हो जाएगा एथ। और इसका प्राथमिक जो अनुलग्न होता है वह होता है एन, तो एथ में हम जोड़ देंगे एन, तो एथ धन एन बराबर हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। एथ प्लस बॉन्ड नेम क्या है एन है, तो एथ धन एन इज इक्वल टू एथेन, यह इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम हो गया। तो यह हो गया एथेन का आईयूपीएसी नाम। अब एथेन को हम इस तरह से भी अगर लिखा रहे तो भी बड़ी आसानी से इसका आईयूपीएसी नाम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दो कार्बन है और छह हाइड्रोजन है, कार्बन के दो परमाणु है इसमें और हाइड्रोजन के छह परमाणु, तो एक कार्बन हो गया छह हाइड्रोजन। कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ दे देता है तो उसमें आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। अब देखिए अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन छह हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में और इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो इनके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड की क्या हो जाएगी साझेदारी हो जाएगी इस तरह से। अब देख लीजिए चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ, चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ, इसके बाद एक एक दो 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 एक एक दो, तो ये सभी संतुष्ट हैं। तो इसमें भी देखो एक कार्बन यहाँ है दो कार्बन है तो दो कार्बन से हो गया एथ, एथ में एन जोड़ दो तो एथेन, यह क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से भी कभी कभी दिया रहता है परीक्षाओं में तो हम बड़ी आसानी से इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोपेन को C3H8 या इसको ऐसे भी हम लिख देते हैं CH3CH2CH3 या इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चार तीन सात एक आठ, चार एक पाँच दो सात एक आठ, चार एक पाँच तीन आठ, ये क्या है ये बैलेंस है ये संतुष्ट है। अब हम इसका यूपीएससी नाम याद कर लेते हैं तो गिन लीजिए कितने कार्बन है, तो एक दो तीन, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन से होता है प्रोप, इसका प्राथमिक अनुलग्न एन, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोप प्लस इसमें जो बॉन्ड नेम है वो है एन, तो प्रोप धन एन इज इक्वल टू प्रोपेन, यह इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब उसके बाद एल्केन श्रेणी का जो अगला सदस्य है उसका हम आईयूपीएसी नाम याद कर लेते हैं, तो यहां हो गया आपका सी फोर एच
टेन या सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री चार कार्बन है तो मेथेन प्रोब्यूट यानी ये ब्यूटेन है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो अब हम इसका आईयूपीएसी नाम अगर हमको ज्ञात करना है कुछ नहीं करना है सबसे पहले कार्बन परमाणुओं को गिन लो एक दो तीन चार चार कार्बन है तो चार कार्बन से होता है आपका ब्यूट तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट। प्राथमिक अनुलग्न इसका एन होता है तो ब्यूट धन एन बराबर क्या हो जाएगा बराबर ब्यूटेन हो जाएगा। यह हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है अब इसके बाद इसके अगले सदस्य का हम आईयूपीएसी नाम याद करते हैं पेंटेन का। तो पेंटेन का हो जाएगा सी फाइव एच ट्वेल्व क्या हो जाएगा सी फाइव एच ट्वेल्व। तो कुछ नहीं करना है इसमें सी फाइव एच ट्वेल्व है कुछ नहीं करना है सीधा सीधा सिंपल से देख लो इसको पांच कार्बन है तो पांच कार्बन से हो जाएगा आपका पेंट। प्राथमिक अनुलग्न एन होता है बराबर क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। तो यह हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से हम एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का बड़ी आसानी से आईयूपीएसी नाम ज्ञात कर लेते हैं।